एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सिक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर 13, फन विद मैग्नेट्स। आज हम मैग्नेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कील गुम जाएं या स्टेपलर के पिन गुम जाएं, तो आप बड़ी आसानी से मैग्नेट की मदद से उनको इकट्ठा कर सकते हैं। हम आम जिंदगी में भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार फ्रिज के ऊपर जो स्टिकर्स लगे होते हैं, अलमारी के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, खासतौर पे आयरन की अलमारी के ऊपर, दरवाजों पे, विंडोज पे, या आप कह सकते हैं पिन को पकड़ने वाला जो पिन होल्डर होता है, आपके मोबाइल के कवर में मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वॉलेट्स में किया जाता है, पर्स में किया जाता है, वो कच कच करके बंद हो जाता है, खुल जाता है। कई बार ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, या कोई ऐसा ढक्कन जो टक टक करके खुल जाए, बंद हो जाए, उसके अंदर भी हम लोग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है ये जो मैग्नेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी खोज कैसे हुई थी? इसकी खोज होने के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्निस। तो जो वो शेफर्ड था, शेफर्ड जो भेड़ बकरियों को चराता है, तो मैग्निस ने क्या किया, वो बेसिकली ग्रीस में रहता था, एंशियंट ग्रीस के अंदर, और वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जा रहा था चराने के लिए पहाड़ के ऊपर, और अपने साथ एक डंडा लेकर जाता था ताकि वो भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर सके। तो एक जगह पर जब वो बैठा तो उसने देखा, जब डंडा रखा तो उसको डंडे को खींचने में दिक्कत हुई। हुआ क्या, डंडे के नीचे जो है वो आयरन का एक पीस था, और जब वो खींच रहा था डंडे को, उसको लग रहा था कि कोई चीज उस डंडे के साथ चिपक रही है, वो आसानी से डंडे को नहीं खींच पा रहा। फिर उसने देखा कि वो जो डंडा है वो चिपक रहा है पत्थर के साथ। जो वो पत्थर था वो एक नेचुरल मैग्नेट था, जो आयरन के टिप को, वो जो डंडे के ऊपर आयरन का टिप था स्टिक के ऊपर, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। मैग्नेट आयरन के ऊपर चिपक जाता है। तो ये जो मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई, नेचुरल मैग्नेट की, ये उस शेफर्ड की वजह से हुई। तो जो मैग्नेटाइट है जिसके अंदर आयरन होता है, वो सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं मैग्नीशिया में मिला था, और इसीलिए उसका नाम भी उस शेफर्ड के नाम से मिलता जुलता रखा गया। तो याद रखिए, मैग्नेटाइट जिसके अंदर आयरन होता है, तो हम ये कह सकते हैं एक मैग्नेट वो चीज है जो अपने पास आयरन को अट्रैक्ट करता है, या आयरन से बनी चीजों को अट्रैक्ट करता है। कई बार मैग्नेट आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट को भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो मैग्नेटाइट है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है जिसकी खोज हुई थी, और आजकल हम लोग मैन मेड मैग्नेट्स बनाते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। तो ये मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के लिए छोटे छोटे आयरन के पीसेस का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग आकार में हम लोग मैग्नेट्स बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। तो हर मैग्नेट जो है उसके अपने अपने शेप होती है। आप चाहें तो आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वो भी कर सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिए प्लास्टिक का, और उसके अंदर बार मैग्नेट रख दीजिए, जो बार जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा, और उसको स्टैंड के साथ ऐसे करके थोड़ा हाइट पे खड़ा कर दीजिए। नीचे आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, और धागे के एक एंड के ऊपर आपने एक पेपर पिन चिपका देना है, पेपर क्लिप चिपका देना है, जो आयरन का बना होता है। जब आप देखेंगे कि वो जो थ्रेड है वो ऊपर की तरफ को खड़ा हो रहा है, क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो पेपर क्लिप है वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट के ऊपर जो निचले एंड पे है कप के, तो इसी वजह से वो ऐसे हवा में आपको झूलता हुआ दिखाई देगा। आप ये एक्सपेरिमेंट चाहे तो कर सकते हैं। कुछ चीजें जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे पेपर क्लिप हो गया, उसे हम मैग्नेटिक सामान बोलते हैं। जो अपनी तरफ मटेरियल नहीं अट्रैक्ट करता मैग्नेट, उसे हम नॉन मैग्नेटिक चीजें बोलते हैं। जैसे यहाँ एक टेबल भरने को बोला है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, कौन सी नहीं करता। तो मैंने यहाँ टेबल भर दिया, जो स्केल है प्लास्टिक का होता है वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। पेन, पेन की जो निब होती है, अगर वो आयरन, निकल या कोबाल्ट की बनी हो, तो जी हाँ, वो निब को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। पेंसिल, उसके अंदर लकड़ी होती है, नहीं अट्रैक्ट करता।
डिवाइडर जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं आयरन का बना होता है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ड्रॉइंग पेन्स, चाबी, पेपर पेन्स, पेपर क्लिप्स, ये सब आयरन के बने होते हैं, तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करता है। अगर आप चाहें तो धरती की ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक मैग्नेट के जरिए। चलिए एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। आपको पता है जो सन है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में सेट होता है, इतना हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो जब सुबह होती है आप क्या करिए, अपना फेस सन की तरफ को करके खड़े हो जाइए, मतलब आप ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं और आपके बिल्कुल पीछे कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। नॉर्थ आपके लेफ्ट पे होगा, साउथ आपके राइट पे होगा। ये चार ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हो जाती है। अब रात के टाइम पे कैसे पता चलाएं कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सा साउथ डायरेक्शन है? उस केस में अगर आप एक मैग्नेट लेंगे और उसको सस्पेंड कर देंगे, मान लीजिए धागे के साथ आपने उसे पकड़ लिया, उसको चलने दिया, रोटेट करने दिया, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है और कौन सी जो है वो साउथ है। तो जो नॉर्थ की तरफ को डायरेक्ट कर रहा है वो नॉर्थ पोल की तरफ को डायरेक्ट कर रहा है, जो साउथ की तरफ को है वो साउथ पोल की तरफ को जा रहा है। तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अर्थ के भी आप कह सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो जो पोल्स हैं अलाइंड होते हैं मैग्नेट के साथ। आप ये चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फ्रीली मैग्नेट को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर नॉर्थ साउथ लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेट को इस्तेमाल किया जा सकता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। इनफैक्ट सदियों से जो ट्रेवलर्स हैं, जिनके पास पहले जीपीएस नहीं होता था, वो मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डायरेक्शंस का पता लगाते थे। जो पुराने दिन में ट्रेवलर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो ऐसे नेचुरल मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते थे एक थ्रेड के साथ बांध के, और हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे ताकि डायरेक्शंस का आसानी से पता लगाया जा सके। अब आपने एक मैग्नेटिक कंपास भी देखा होगा, एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस देख सकते हैं। पॉपॉय द सेलर मैन में पॉपॉय इस्तेमाल करता था। एक छोटा सा सर्कुलर बॉक्स होता है, जो डब्बा होता है नीचे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक शीट का एक कवर होता है, आप देख सकते हैं इमेज में। बीच में उसके एक नीडल होती है जो मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है। आप चाहे तो अपनी भी मैग्नेटाइज्ड नीडल तैयार कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो बीच में एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो फ्रीली छोड़ी होती है, उसका एक एंड रेड कलर का होता है। जो नीचे का हमारा मैग्नेट के नीचे जो हमारा बेस है उसके ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है। तो जब आप उसको पकड़ते हैं, कंपास को पकड़ते हैं, तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शंस बता देता है, पॉइंट कर देता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ है। नीडल पॉइंट कर देती है कि कौन सी साइड नॉर्थ है और कौन सी जो है वो साउथ है, अपने आप पोल्स की तरफ को डायरेक्ट कर देता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अगर एक मैग्नेट है तो उसके दो पोल्स होते हैं, तो मैग्नेट को बड़ा संभाल के चलना चाहिए, वो तो जरूरी है ही है, पर क्या आपको मालूम है कि अगर आप मैग्नेट को तोड़ भी देंगे तो पोल्स को अलग नहीं कर सकते उसके। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसके एक एंड पे साउथ और एक एंड पे नॉर्थ है, तो अगर आप उसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो उन दो हिस्सों के भी नॉर्थ साउथ आ जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। दूसरे वाले का भी नॉर्थ और साउथ पोल, उसको और छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो भी नॉर्थ और साउथ पोल आपके पास आ जाएगा। तो हमने ये सीखा कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसका इस्तेमाल किया जाता है, नीचे जो डायल होता है उसके ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है। जब आप मैग्नेटिक कंपास को ऐसे छोड़ देते हैं तो कंपास की जो नीडल है वो अपने आप मूव करती है, ठीक है, फिर जब वो रेस्ट पे आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे है। क्या आपको मालूम है, मैंने आपको बोला था कि आप मैग्नेटिक नीडल अपनी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, एक पिन लेना है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए आप लोगों ने ये पिन लिया है और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये मान लीजिए नॉर्थ पोल में ऐसे घसीटना शुरू करो, एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके, ऐसे, ये नहीं वापिस जाना है,
एक ही डायरेक्शन में, 1 2 3, ऐसे जब आप 20 से 25 बार करते जाएंगे बार बार, या कम से कम 30 to 45 times करेंगे, तो ये जो नीडल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर इम्बाइब कर लेगी। तो ये नीडल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए। जो पोल्स हैं, देखिए वो दोनों पोल्स जो है वो आयरन को उठा लेते हैं। अगर आप बार मैग्नेट लेते हैं और नीचे छोटे छोटे आयरन की फिलिंग्स घेर देते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों एंड पे चिपकती है। तो जो पोल्स होते हैं वो ज्यादातर एंड की तरफ होते हैं, कोने पे होते हैं पोल्स। लेकिन अब जो हमने नीडल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी हैं, उसके ऊपर मैग्नेट रब कर करके, अब इस नीडल को आप क्या करिए, एक बोतल का कैप ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब जब आप उसके अंदर डालेंगे, उसको पानी में रख दीजिए और वो फ्रीली जब फ्लोट करेगा, साइड पे नहीं टच करना चाहिए बोतल के, बोतल में काट के उसके अंदर पानी डाल दो और इसको रख दो, तो आप देखेंगे फ्रीली फ्लोट करता हुआ वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको बता देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जो पोल्स हैं साइड पे होते हैं, पोलारिटी साइड पे होती है, बार के एंड में होती है। ये जो मैग्नेट है इसके एंड पे आपको पोल्स दिखाई देंगे, क्योंकि आयरन बिल्कुल एंड में ज्यादा चिपकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखें कि मैग्नेट्स का कौन सी साइड अट्रैक्ट करती है, कौन सी रिपेल करती है, मतलब अलग होती है, तो मान लीजिए आपने दो मैग्नेट्स लिए और इस मैग्नेट को 3 4 पेंसिल्स के ऊपर रख दीजिए। ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है मैग्नेट का। इसका ये नॉर्थ है और दूसरी साइड साउथ है। जब आप नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, वो अलग हो जाएगा, रिपेल करेगा। लेकिन जब आप नॉर्थ को साउथ के पास लेकर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऑपोजिट पोल्स जो हैं, अनलाइक पोल्स जो है मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो लाइक पोल्स है, नॉर्थ नॉर्थ के साथ नहीं बनती, साउथ की साउथ के साथ नहीं बनती, लेकिन नॉर्थ की साउथ के साथ बनती है, या आप कह सकते हैं साउथ की नॉर्थ के साथ बनती है। अट्रैक्ट करना, एक दूसरे के पास जाना जो ऑपोजिट पोल्स करते हैं, रिपेल करना, एक दूसरे से अलग जाना, जो सेम पोल्स जो हैं जब इकट्ठे किए जाएं तो वो रिपेल करते हैं। पेंसिल इसलिए रखी थी कि वो रोलर का काम करता है। अब हम लास्ट चीज पढ़ लेते हैं कि मैग्नेट्स को आखिरकार स्टोर कैसे किया जाए। देखिए, मैग्नेट्स को ध्यान से स्टोर करना बहुत जरूरी है। जो सेम पोलैरिटी वाले मैग्नेट हैं उनको आप आयरन के साथ नहीं स्टोर कर सकते। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ऐसे कर कर आप नहीं रख सकते, उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की खत्म हो जाएगी। तो जब आपने ये दो मैग्नेट्स को स्टोर करना है, उसके बीच में आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखिए, जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इसको आप उल्टा करके रखेंगे, एक साइड नॉर्थ पोल तो दूसरे वाले का साउथ पोल होगा, नीचे साउथ पोल तो इसका नॉर्थ पोल होगा, उल्टा करके रखना है और बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखना है। ये मैग्नेट को आप जो मेमोरी वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे सीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, या आप कह सकते हो मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, या जिन चीजों के अंदर आप कुछ स्टोर करते हो, उससे अलग रखेंगे, क्योंकि उसकी मेमोरी जो स्टोरेज है वो उड़ा सकता है। अब ध्यान भी रखना है, जो आप मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो खत्म हो सकती है। पहली बात, आप उसको तोड़िए मत, हैमर मत कीजिए, हथौड़ा मत मारिए, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो सकती है, चूरा चूरा होके किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरी चीज, उसे गर्मी से, हीट से दूर रखिए। और तीसरी चीज, मैग्नेट को कभी भी हाइट से नहीं फेंकना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज तबाह हो जाती है। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हम यूज करते थे पुरातन समय में डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए, उसके बीच में एक आप कह सकते हैं नीडल होती है जिसका एक एंड रेड कलर का होता है और नीचे जो डायल होता है उसमें डायरेक्शंस मार्क होती हैं, तो वो कौन सा डिवाइस था जो हम यूज करते थे पुरातन समय में डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए।
ये थी आज की क्लास. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.